हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ घूमने, मतलब रील्स बनाने। तो जाऊँगी शिपाईजरा नौकाघाट पर, तो चलो जाके देखते हैं। तो मैं और मेरी भाई जाएगा, तो चलो। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी भी रेडी हुई जिम से आके, तो मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ा, तो इसलिए मैं फर्स्ट वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। तो अभी से स्टार्ट की हूँ रेडी होके, तो चलो जाके देखते हैं। गाइस, मैं ना अभी स्कूटी में बैठ रही हूँ, आवाज़ पहुँच रही है पता नहीं। तो भाई आके आए एटीएम से पैसे ले रहे, क्योंकि वहाँ जाके हम, मतलब मैं ना, मतलब कैमरा से शूट करूँगी तो इसलिए पैसा लगेगा। तो जाके देखेंगे कितना लगेगा, तो आप लोगों को फुल डिटेल्स मतलब दूंगी, तो चलो जाके देखते हैं। मैं जिम से अगर कुछ नहीं खाई हूँ अभी तक, तो मुझे मतलब एक्साइटमेंट की वजह से मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो वीडियो जब बनाऊंगी इसके बाद ही खाऊंगी, तो चलो देखते हैं आगे आगे। ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा पेट भी मतलब बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं खा रही हूँ। तो बट एक्साइटमेंट की वजह से मुझे भूख ही नहीं लग रही है, फिर भी भूख लगेगी तो थोड़ा खाना खा लूँगी। तो चलो अभी फाइनली जाते हैं। फिर भी धूप चली गई है, मतलब मैं जब भी निकलती हूँ ना तभी धूप चला जाता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है पता नहीं। तो जाके देखते हैं, धूप रहता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे शूट करना पड़ेगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने गाना सिलेक्ट कर लिया है, तो शिपाईजरा में नेटवर्क नहीं रहता, तो इसलिए मैंने गाना पहले ही डाउनलोड कर लिया। तो जाके सिर्फ उसी गाने पर ही रील बनाऊँगी, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो चलो जाके देखते हैं। आप लोग भी साथ रहना वीडियो के साथ कंटिन्यू, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक वीडियो में मैंने देखा 8K व्यूज़ गया। ओह माय गॉड, पहली बार ऐसा हुआ है यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो में 8K व्यूज़ गया। वो भी गणपति बप्पा का पूजा का शॉपिंग का वीडियो, क्या क्या खरीदा तो उस पर गया। तो देखते हैं आगे आगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो चला भी जाते हैं। तो गाइस, फाइनली बारिश आने वाला है, क्या ही बोले, मेरा किस्मत ख़राब है सच में। अब बारिश आएगी, क्या ही वीडियो बनाएंगे, अब कुछ नहीं बना सकते। तो फ्रेज के निकली उस दिन की तरह से होगा आज, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। चलो
जाएंगे नौकागढ़, तो जाके देखते हैं। बस पता नहीं आज शूट हो पाएगी या नहीं। तो फाइनली हम लोग नौकाघाट पहुंच चुके हैं, तो धूप भी चली गई, पता नहीं आज शूट हो पाएगी या नहीं। फिर भी मेरा मूड ऑफ हो गया है सच में, मतलब ऐसा होता है। उस दिन भी ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं निकली, इसके बाद धूप चली गई, सारे गड़बड़, कुछ नहीं हुआ। देखो फिर भी बारिश की बूंदें गिर रही है, कुछ ना, अब क्या कर सकते, जाके देखते हैं शूट कैसा होगा। अभी मुझे पता नहीं मैं शूट करूँगी या नहीं, वो भी पता नहीं, तो जाके बात करके फिर देखते हैं बाहर धूप होगी या नहीं, पता नहीं। तो चलो आगे आगे। गाइस देखो मेरा भाई कितना कुछ लेके मेरे लिए बैठा है, मतलब खड़ा हुआ है। तो मुझे बोला है हेलमेट लेने के लिए, तो अभी हेलमेट लूँगी। तो गाइस फाइनली भाई ने सब कुछ ले लिया, मेरे को कुछ नहीं दिया। तो चलो मैं खाली खाली पैदल जाऊँगी। तो गाइस पता नहीं मेरा शूट होगा या नहीं, क्योंकि धूप नहीं है। ऊपर से मैं रेडी होके आई, ऊपर से बारिश की बूंदें गिर गई थी, मेरा मुंह क्या ही बोले। पर भी मेकअप उतरा नहीं है सच में, अच्छा है। तो अभी जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्योंकि लग रहा है धूप है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर पेड़ है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, यहाँ का नज़ारा देखो, सच में यहाँ पे पहली बार आई हूँ, क्योंकि नौकाघाट में अभी तक नहीं आई। सिपाहीजला में आई हूँ, वहाँ का बैकग्राउंड मैं जाते टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा मूड ऑफ हो गया था मेरा, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो चलो मैं पहले ना सोची थी क्या शूज़ पहनूंगी, फिर मेरा शूज़ ना मतलब गंदा हो रखा था, मैंने धोया नहीं, इसलिए शूज़ नहीं पहन पाई। क्या ही करें, कुछ काम धंधे तो है नहीं, हर वक्त सोती रहती हूँ, इसलिए मेरी हाल ऐसी हो चुकी है। तो अभी जाएंगे, जाके क्या करेंगे, हाँ शूट करेंगे, मैं भूल गई किस काम के लिए आई मैं। तो पता नहीं कितनी दूर है, मैं पहली बार आई, तो जाके पता चलेगा। हम लोग तो है सिर्फ पैदल ही जा रहे, आप लोग भी आए हो तो जो लोग आए हो मेरे को कमेंट करके बताना, हाँ त्रिपुरा में कौन कौन है, कौन कौन सिपाहीजला में मतलब नौकाघाट में आए हो। चलो मैं पहली बार आई हूँ सच में, त्रिपुरा में रह के पहली बार आ रही हूँ, कहीं तो घूमने गई भी नहीं ठीक से। तो मैंने सोचा है घूमना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि त्रिपुरा भी तो घुमा नहीं है, तो धीरे धीरे घूम घूम के आप लोगों को दिखाऊँगी, जो लोग नहीं गए वो लोग भी देख सकते हो नज़ारा, इसीलिए। तो चलो हे भगवान कम दिले चल हम ई दस लो आइटम लेबो का दाम दे ई ना 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 क्या रे बंदर सुनने का ओ दूर दूर नो का घाट। गाइस देखो सामने, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, पता नहीं है या नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मतलब भूख नहीं लगी मेरे को, नो का बड़ा लोन लग भी नहीं हुआ। गाइस नौका खाना वो भी भाड़े पे लेना पड़ेगा हम लोगों को, इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो चलो नौका नहीं तो बोट, गाइस सॉरी सॉरी यहाँ पे बोट है, अरे मैं आई नहीं तो मुझे कैसे पता है, मुझे पता नहीं है ना, इसलिए मैं जाके पता करूँगी ना, ऐसे ऐसे पता कैसे चलेगा मेरे को, मैं अभी तक आई नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा। तो देखो डिज़ाइन देखो कितनी सुंदर है, वैसे कितनी सुंदर लग रही है। मैं सोच रही यहाँ पे दो फोटो शूट कर लूँ, नहीं पहले मेरे को वीडियो बनवाना है, इसके बाद फ़ोटो तो क्लिक करेंगे, क्योंकि जिस काम के लिए आया वो काम कर ले, इसके बाद बाकी काम करेंगे। वाओ 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 कितना ब्यूटीफुल है, देखो हमारा त्रिपुरा का व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है,
तो चलो हम लोग जाके देखते हैं। गाइस यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, मुझे पता नहीं था इतने लोग यहाँ पे होंगे। तो रास्ते पे तो कोई नहीं था, बट यहाँ पे लोग हैं। मतलब क्या बोले, क्या करना है पता नहीं, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस हरियाली हरियाली। तो भाई गया है टिकट खरीदने, खरीद के आने दो, इसके बाद देखते हैं बाकी क्या। बाकी पता नहीं मेरे को कुछ भी, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। भाई पहले भी आके गया है, इसलिए उसको पता होगा थोड़ा थोड़ा, तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो तो गाइस मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया ब्लॉग करते करते, क्या ही बोले। ज़्यादा स्टोरेज लेके फ़ोन नहीं खरीदा ना, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अभी जाएंगे हम, मतलब हम बोट पे उठ गए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो हमारे सफल लगभग तो चलो देखते हैं आगे आगे। मुझे तो सी अमेरिका कभी जा उल्टा उस तो मत कर दो ना। यहाँ से इसको घुमाते हैं, मैं नहीं घुमा रही, मेरा भाई घुमा रहा है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो देखते हैं आगे आगे। पहली बार आया हूँ मैं, पहले कभी नहीं आई। मतलब यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, तो आप लोग भी आ सकते हैं, और कपल के लिए बहुत अच्छा है, दो घूम सकते हैं यहाँ पर। और क्या बोले, सामने भी लोग जा रहे हैं। वहाँ मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। नज़ारा इतना सुंदर है ना, क्या ही बोलूं। तू बुट चल सा यार, बुट चल सा गए आ गया, बुट चल चल। इतनी देर तक बारिश हो रही थी, अब जो पाया है मतलब कुछ भी, तो अच्छा ही हुआ। आप देखते हैं कहाँ जाके शूट करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। किससे कोई जगह दिखा नहीं, मैं डरते का नंबर वन हूँ, जगह नहीं कितना मैं सुन एक लामन को नखरा जगह नहीं चलिए हेदिन का तरह वीडियो कोई बनाई से तुझे कोशिश वीडियो बनाई से हेदिन ये दीदा क्या लगो इसे तो बस पता नहीं कहाँ वीडियो बनवाएंगे। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो वीडियो बनवाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो यहाँ पर कहाँ पे शूट करूँगी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो मैं सोची यहाँ पर कहीं जगह पर नाम के फिर शूट करूँगी, बट यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है तो मिल रहा था, तो पता नहीं क्या करेंगे आगे आगे, तो देखते हैं। बैकग्राउंड गाइस फाइनली हम लोग मतलब बोट से निकल चुके हैं, तो यहाँ से हम अभी ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाके तो कैमरा के लिए पैसा नहीं लगा, जस्ट फोटोशूट या थोड़ा वीडियो किया। तो उन लोगों ने बोला है ड्रोन शूट मना किया करने के लिए, तो हम लोगों ने ड्रोन शूट नहीं लिया। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बन पाएंगे। ये रास्ता देखो, यह रास्ता है। तो यहाँ से आई थी तब भी मेरा आईफोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया, क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ठीक से आप लोगों को दिखा नहीं पाई, आई एम सो सॉरी। तो मैं जितना हो सकता आप लोगों को दिखाई, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी थोड़ा वीडियो बन पाएंगे, इसके बाद घर चले जाएंगे। तो चलो नतुन
क्या करेंगे अभी, थोड़ा वीडियो बनवाएंगे फिर घर जाएंगे। वो जिस लोकेशन सोचा था, जिस लोकेशन पे आना था वो लोकेशन हम लोगों को मिला नहीं, तो इसलिए मेरा मूड पहले से ऑफ है। और क्या ही बोले, फिर भी दो तीन वीडियो बनवाई, वो ही मैं अपलोड करूँगी। और कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पर आके, क्या ही करें। तो मुझे वो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, इसके बाद वो सब वीडियो बनवाऊँगी। तो चलो अब देखते हैं आगे कौन सा वीडियो बनवाती हूँ, रील्स ढूंढ के बनवाऊँगी। अब तो गाइस फाइनली ना हम लोगों को ऐसे निकल दिया गया, क्योंकि 4 बज गए और यहाँ पर का टाइम 4 बजे तक है। मैं क्या तुतला हो गई पता नहीं। तो इसके बाद गेट ऑफ कर देंगे, तो हम लोग अभी यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को वीडियो वन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग लेट आए। 4 बजे बंद, मतलब 4 बजे बंद कर देंगे वो लोग बोल रहे। तो अभी क्या करें, अभी हम कैसे घर जाएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते। ऊपर से फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया, टाइमिंग ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलने का मतलब, मेरा किस्मत आज साथ नहीं दिया। तो अच्छा क्या करें, कुछ नहीं। आज तो गाइस हम लोग अब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसके बाद जाएंगे घर। और आज का ब्लॉग यहीं तक ही, जितना हो सके किया, क्या ही कर सकते, किस्मत साथ ना दे तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी चलो देखते हैं, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी घर जाएंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो टाटा, वीडियो बंद कर देना। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी हॉस्पिटल में आते टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गई, मतलब सामने की जो कार थी ना, तो वो अचानक ब्रेक लगा दी। तो भाई भी स्कूटी चला रहा था, तो वो भी ब्रेक लगा नहीं पाया, हम लोग गिर गए। तो बहुत मुश्किल से बाहर से बचे, बहुत भीड़ हो गई थी बाहर। तो हम कैमरा ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई भी चोट खाई, मैं भी चोट खाई। तो उस टाइम वो कैमरा से मतलब कुछ वीडियो बनाओ ऐसा कोई चांस ही नहीं मिला हम लोगों को। तो अभी हॉस्पिटल में वो थोड़ा दिक्कत हुई हम लोगों को, मेरे हाथ पे चोट लगा, क्योंकि स्कूटी ऐसे अचानक गिरी ना, इसलिए इसके बाद भाई के हाथ में भी मुझे लग रहा है क्रैक पड़ गया शायद। वो बोल रहा हाथ पे दर्द कर रहा, मेरा तो हाथ पे लगा और यहाँ पर भी लगा, हाथ पे भी लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा और पैर पे थोड़ा थोड़ा लगा। तो क्या कर सकते, अचानक गिर गई ना, इसलिए ऐसा हुआ। भाई के भी पैर पे भी लगा, तो पता नहीं अब क्या होगा। तो हम लोग सोचे हॉस्पिटल में आके, मम्मी घर पे नहीं है, उनको पता चलेगा कि बहुत डांटे थे। तो मैं तो उनको बोल के भी छूट पे नहीं निकली थी, अचानक लगा। हम लोग इतने स्पीड में भी नहीं थे, मतलब अचानक वो हैंड ब्रेक मारा वो करने, इसलिए हम लोग ऐसे अचानक गिर गए। तो मेरा स्कूटी का पार्ट्स कुछ दिन पहले मैंने ठीक किया था, अब अचानक फिर से ठीक करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब लगा के आया हुआ। पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने वीडियो करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि भाई का हुआ था, पर भाई को कुछ नहीं हुआ, शुक्र माना। बट आज बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं मैंने कौन सा क्या कर लिया, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ स्कूटी से, कभी ऐसा नहीं होता, आज पहली बार ऐसा हुआ है। फिर चोट ज़्यादा नहीं आई, पता नहीं अब बाइक से करने पर पता चलेगा। फिर मेरा पैर दर्द कर रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, ऐप से करने के बाद पता चलेगा। तो फिर मैं अपडेट देती रहूँगी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें इसके बाद।
भाई को आने दो, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। उन लोगों ने उन्हें बुलाया है, डॉक्टर के पास गया है, कुछ चेकअप वेकअप करेंगे, इसके बाद मेरे को बुलाएंगे, देखते हैं। तो मेरे फ़ोन, मैंने बोला मेरे फ़ोन का स्टोरेज नहीं है, तो मैंने एक ब्लॉग जो मेरे पास था वो मैंने डिलीट किया, और अभी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। क्या करूँ, कोई उपाय नहीं है, तो ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई इसलिए। तो फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, इसको लैपटॉप पे लेके फिर एडिट करना पड़ेगा। आप पहले देखते मतलब क्या हुआ है अचानक, तो अभी भाई को आने इसको पता चलेगा, तो इसके बाद मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। तो चलो, तो गाइस अभी ना भाई को एक्सरे दिया है कराने के लिए, तो इसके बाद वो एक्सरे कराएगा, इसके बाद देखते रिजल्ट क्या आता है, इसके बाद ही सोचेंगे क्या हुआ है। पता नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या होगा अचानक, ऐसा क्या हो गया, कुछ से समझ में नहीं आया, अचानक हुआ जो हुआ, तो देखते हैं। तो गाइस भाई के हाथ में ना मतलब कुछ नहीं हुआ, जस्ट अचानक थोड़ा मोच आए, तो उसके लिए उसको बैंडेज लगा देंगे, और मेरे को बोला है डॉक्टर लेने के लिए, तो मैं तो भाई गया है डॉक्टर लाने, तो इसके बाद ही कुछ इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ही घर जा पाएंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो घर जाके मैं पूरी डिटेल्स दे दूँगी आप लोगों को।